अब हम जिस पैकेजेस के बारे में बात करेंगे वो है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के पैकेजेस। और ये दो पैकेजेस का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू लिख रहे हैं यूजिंग आर। उसके बारे में बात करते हैं, स्क्रीन आपके सामने अगेन हाजिर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 डॉट पैकेजेस फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू एंड सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। और इन पैकेजेस को जो साइंटिफिक राइटिंग वालों आपने मास्टर करना है, इन पैकेजेस को, पहला है मेटा, इस पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपके पास है मेटा 4, इस पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपके पास जो अगला पैकेज है वो डी मेटा आर है। ये जो है इस तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा, डिफरेंट वे में होगा। सो आप यहां पे आए डूइंग मेटा एनालिसिस विद आर, ये हैंडबुक पे आपने चले जाना है, ये वाली हैंडबुक है, बुक डाउन से लिखी हुई है। इसके अंदर अगर आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे, यू विल सी यहां पे वेलकम के अंदर, या लेट मी सी, दिस आर पैकेज द रीजन व्हाई, लेट मी सी, यहां पे देर आर सम अदर पैकेजेस एज वेल, इंट्रोडक्शन, ऑल पैकेजेस, मेटा, मेटा 4, दो पैकेज हो गए, टाइडीवर्स तो हमने करना ही करना है, टाइडीवर्स के बगैर जो है वो ये चलना नहीं है। एंड देन दिस इज द वन डी मेटा आर, ये इस तरीके से इंस्टॉल होना है। तो आपने पहले डेव टूल्स को इंस्टॉल करना है एंड देन फ्रॉम डेव टूल्स यू हैव टू इंस्टॉल डी मेटा आर लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे आपके पास टाइडीवर्स होना जरूरी है, वो हर सूरत आपने करना है। मेटा, मेटा 4, डी मेटा आर के लिए आपने ये बुक के अंदर तरीका कर दिया हुआ है, ये सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस दोनों के लिए यूज होगी डेव टूल्स। और फिर हमारे पास आ जाएगा डेव टूल्स के थ्रू ये इंस्टॉलेशन का तरीका कार। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो इंस्टॉलेशन का तरीका कार यूज किया, दिस इज डिफरेंट देन द अदर वंस, ठीक है। सो इस तरीके से हम यूज करेंगे एंड आई थिंक यस दीज आर ऑल। ओपन एक्स एल एस एक्स, ये भी एक पैकेज के बारे में ये कह रहे हैं, सो वी कैन यूज दैट, ये वही एक्स एल एस एक्स वाला ही है, बट वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल दैट हियर। एंड देन इफ वी हैव एनी टाइडीवर्स अगेन, नथिंग मोर, ओके, यस। ये हैं जी कुछ पैकेज सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के लिए। इसके अलावा आई थिंक देर वॉज अनदर वन, आर पैकेजेस फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज, लेट मी सी, लिटरेचर सर्च का आ गया, लिट सर्च, सो गेटिंग स्टार्टेड, we already did the literature search, so we don't need this one. Meta digitize, I think this could help. Topic tagger, evidence synthesis, a series to bring together interested tools, yes. So we can use meta digitize, RoboVis, RoboVis and evidence synthesis, and also topic tagger. But I mean, we already did all the work in Microsoft Excel, so we don't need these tools here, right? सही हो गया। एक और बंदा है हार्ड बॉइल्ड मेटा एनालिसिस, ये इसकी पूरी सीरीज है, ये प्रोफेसर हैं, तो इनके कई पैकेजेस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, सो वी कैन चेक दैट मे बी, ये इनकी पूरी सीरीज है। इनके ये है जनाब नाम, प्लेलिस्ट में जाके आई विल सी दैट मेटा एनालिसिस हियर, इसके अंदर जाने के बाद
Hopefully, I will find the tool, not here. Screening, retrieval, full, then meta-analysis. Yes, only this. So these are important for systematic review and meta-analysis, right? तो ये जनाबे वाला कुछ packages हैं जो आपको मैंने बताया, सात set है packages के. इसमें हम हमेशा add करते जाएंगे packages और different किस्म की और भी चीज़ें जैसे जैसे हम अपना काम करेंगे, और इनको बारी बारी हम एक एक lecture में हम अब सीखेंगे. तो आप ये समझ लें कि हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये ऑफकोर्स ये सारे के सारे तो नहीं एक लेक्चर में सीखे जाएंगे, लाइक 5, 6 एंड 7, बट वी कैन लर्न खासतौर पर डेटा राइटिंग एंड रीडिंग जो हमने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन स्टिल वी विल डू सम एग्जांपल्स एंड डेटा मैनिपुलेशन. ये पहले दो पे कम अज कम हमारी 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स डेटा विजुअलाइजेशन एंड पैकेजेस फॉर कलर पैलेट. इन पे हमारे 3 से 4 और लेक्चर्स होंगे, एंड देन एट द एंड आप देखेंगे कि हम अपने ही डेटा के ऊपर इनको एनालाइज करके डिफरेंट किस्म के जो प्लॉट्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर देंगे. ठीक हो गया जी?